अच्छा खासिब, सबसे पहले कश्मीर इशू के बारे में बताइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है इस पर आप क्या बात करेंगे। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शराग है और कश्मीर और पाकिस्तान का एक रूहानी कल्बी और एक जोग्राफिकली रिश्ता है और वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। मोदी सरकार पर एक इंतहा पसंदी जो है सवार हुई भी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत पसंद है वहाँ के जो वहाँ की आवाम है वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने लहू से उसका खराज पेश कर रहे हैं और रोज़ाना नौजवान बच्चों को शहीद किया जाता है। इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है और एक नाम रहा जो जमहूरियत है इंडिया की पूरी दुनिया के सामने उसका जो है वो चेहरा जो है वो नंगा हो चुका है, मगर उसके बावजूद पूरी जो आलमी बरादरी है वो खामोश है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने स्टेप ठीक लिया लेकिन लेट लिया। इमरान खान साहब की मैं तकरीर सुनी है परसों PTV पे, उसमें जो वो बातें कर रहे थे पूरे 5 साल के जो जुर्म थे मोदी के वो उनको चंद माह पहले याद को नहीं थे, जब वो ये कह रहे थे कि ये मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन में इलेक्ट हो तो कश्मीर का इशू हल होगा। ये VN है मोहतरम इमरान खान साहब का, और जो आप अमेरिका का दौरा करके वापस आए और आप कह रहे हैं कि मैंने आलमी कप जीता है और ये आप सूरतें देख रहे हैं क्या है, ज़रूरत इस समर की है कि इस वक्त मुत्थित होने की ज़रूरत है दिल के साथ। पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ है अपोजिशन के जहन में तलखी है, जब हम लोगों को बेगुना जेलों में डाला जाएगा और बेगुना हम लोगों को तरीक़ों और अदालतों में आना पड़ेगा। अदालत इंतहाई एक आला एहतराम की जगह है, हाँ ज़रूर गुना किया हो, कभी मुफ्ता को पकड़े हैं कभी शाहिद खाकान को पकड़े हैं, तो ये सूरत सबके सामने अपोजिशन हुकूमत को कश्मीर इशू पे और मुल्की इशूज पे इकट्ठे होकर चलना। अच्छा खास साहब, आप ये दिल से इकट्ठे चले, खास साहब आप ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को क्या इकदाम अपनी इकदाम अपनाना चाहिए। जी मेरे ख्याल में तो आज़ाद कश्मीर में जलसा करना चाहिए, वो PTA का जलसा ना हो तो पाकिस्तान का जलसा हो, उसमें इमरान खान साहब जाएँ अपोजिशन के लोगों को बुलाएं उसमें, तो एक सरहद पार जो है अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर को पता लगे इंडिया को कि पूरा मुल्क मुत्तहिद है। एक इख्तलाफ तो हर मुल्क में होता है जमहूरियत में, लेकिन बाज ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पूरा कौम पूरा मुल्क इकट्ठा होता है। कश्मीर पाकिस्तान का इशू है। ठीक, थैंक यू।